ओम तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तिंगिं स्मरामि। अष्टो तक में आप सबका स्वागत है। सर्वासिद्धि योग वो योग है जो हर कार्य में परिपूर्ण फल प्राप्त प्रदान कराता है। सर्वासिद्धि में बच्चों की चाहे पढ़ाई की शुरुआत हो, व्यापार की शुरुआत हो, नौकरी की कोई आपकी ज्वाइनिंग हो, उसमें मंगलमयी भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तदेव लग्नम, ये ऐसा लग्न बनता है जिसके दसों द्वार से आनंदी आनंद बरसता है। इसमें तारा बलम चंद्र बलम तदेव, जो हमारा तारा बल है, योग बल है, देव बल है, षडाष्टक बल है, सब बल की प्राप्ति होती है। इस बल के साथ हम इस कार्य को प्रारंभ जब करते हैं तो जो योग है सर्वासिद्धि के बारे में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कार्य वो करें जीवन में जो कभी आप संसार में सोचे हो कि मेरा काम नहीं होगा, वो काम इसमें आपका जरूर होगा। उस काम की शुरुआत कर दीजिए। कैसे अब आपको शुरुआत करना है? कोई राजतंत्र के लोग हैं, अगर राजतंत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो राजतंत्र की प्रथम जो पीढ़ी है, अन्यथा प्रथम सीढ़ी है या प्रथम द्वार है, वो सर्वासिद्धि योग से शुरू हो जाता है, ताकि उसकी जो कुछ बेनिफिट है उसको तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। राजतंत्र के बाद हम विद्यातंत्र में आते हैं। हमारे घर में कोई बच्चा छोटा पढ़ रहा हो या बड़ा पढ़ रहा हो, विद्या जीवन भर पढ़ने के लिए है और जीवन भर परीक्षा व्यक्ति के जीवन में देना होता है। हर घड़ी में आपकी परीक्षा है, व्यापार में, नौकरी में, घर में, बच्चों के साथ, समाज में, मित्र में, सब जगह परीक्षा में उत्तीर्ण आपको करने के लिए इस योग की बड़ी आवश्यकता होती है। तो सर्वासिद्धि योग में हमको रिजल्ट मिलेगा उत्तीर्ण, यानी आप पास होंगे अपने जीवन की परीक्षा में। तीसरा, हम इस चीज़ के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर किसी के जीवन में धन का बड़ा अभाव है, बड़ा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो इस योग में कमल गट्टा लेकर के गाय के घी में उसे कटोरी में डाल लें। ओम श्रृंग ह्रिंग श्रृंग महालक्ष्मी नमः। ओम श्रृंग ह्रिंग श्रृंग महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए उपला जला के, आग जला के 108 बार डालें, उसके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कार्य अपने आप भगवान करके दे देंगे, क्योंकि तारा बलम चंद्र बलम तदेव, चंद्र बल इसमें जुड़ता है, विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तिंग स्मरामि। भगवान नारायण महालक्ष्मी के साथ कार्य सिद्धि में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ जीवन में भक्ति भी उदय कराता है योग। आपके जीवन में आप बड़े परेशान हैं, अशांत हैं, कहीं काम आपका जीवन में रुका हुआ है और आप कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप भक्ति के मार्ग पर भी इस योग में जा सकते हैं। खाली किसी पुस्तक को स्मरण करें, नमन करें, ओम बाग वादनी नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, प्रणाम कर लीजिए, देखिए ये योग आपको कितना फल प्रदान कर देता है। क्योंकि योग जो बना है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी योग बना हुआ है, ये महीना में बराबर बनता रहता है। इस योग में चंद्रमा के नक्षत्र होने से अमरतत्व की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कुबेर के साथ कार्य सिद्धि के लिए आपके जीवन में बहुत सफलता का एक पूंजी है और आपके जीवन में कुंजी भी है, चाबी भी है, ये द्वार खोल लेगा आपको। आप ऐसा करके देखें और अष्टोत्तक का सब्सक्राइब करें। मैं डीपी शास्त्री ज्योत्साचार आपके सुखद जीवन कामना के लिए परमात्मा से प्रणाम करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय रहेगा। और आप हमको कोई कमेंट भी लिखें और बात भी कर सकते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।